प्रमाण करो जी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। फतेह तो प्रमाण कर दे जी, साडे को गलती हुई है, अपा सारी संगतां को और गुरु महाराज दे बाणी को और अपा माफ़ी मंगते हैं जी। गुरु मान्य ग्रंथ ग्रंथ साहब तो वड्डा कोई भी है नहीं गा जी। गुरु साहब के घर माफ़ी मिल गई, उन्होंने समझो सात जन्म च माफ़ी मिल गई। मैं सारी संगत को और गुरु साहब के दरबार से खड़ा होकर नीटू शटर वाला माफ़ी मंगना चाहना जी। जे मेरे मुँह चो मतलब गलत शब्द निकलिया सीगा जी, गुरु साहब के दिमाग के मेरे पता नहीं किसी ने तीसरी फेल बनना वा जी। बाकी एक बार मैं माफ़ कर दो, तो मैं दोबारा कभी गलती नहीं करा जी। गलती करा जो बनती कार्रवाई होगी, बाबा जी आप गवाह वा जी। संगत सारी संगत मेरे से जो भी कार्रवाई करना चाहे कर दे, पर मैं हाथ जोड़ के सारी संगत को कि अपने पूरे भाइयों के पूरे वर्ल्ड को माफ़ी मांगना चाहना जी, कि जे मेरे को मैं गलती की है तो मैं एक बार माफ़ कर दो। नीटू शटर वाला खुद विवाद की है कि उन्होंने विवाद घेर के लिया पता नहीं जी, किस्सा जी बहुत किस्मत माड़ी है जी। मैं अक्की दसा सा घर के हालात माड़े है, तो पर लेकिन पता नहीं रब मैं क्यों इदा कर रहा जी, मैं नहीं समझ आ रही कुछ जी। लेकिन गुरबाणी में तोड़ मोड़ करने वाले थोड़ा सोचना नहीं चाहिए। नहीं जी, मैं देखो तुम मेरी जिनी वीडियो देखोगे ना, वो तो सब तो पहले मैं देखा वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अपने गुरु साहब ना बहुत प्यार करता जी, दिलों करता हूँ और दिलों करता रहूंगा जी। गुरु साहब ना प्यार कर दो तो फिर बाणी दे ना, बाणी का सत्कार भी तो करना। अज मैं गुरुद्वारे खाना जी, मैं उन्होंने चरणों में रोटी ला के ना रोज शामी या सवेरे खाना जी। मैं बुरी गल कर दी, बाकी अना को गुरु साहब को माफ़ी मांगना चाहना जी। मैं कभी गुरु जान नर्दन नहीं करूँगा जी, कभी जिंदगी में नहीं कभी सोच ही नहीं सकता जी। मैं कभी अपने सुपने में नहीं सोच सकता जी कभी। अज आए हो तो हाँ जी, अज माफ़ी मांगा सारी संगत को मंगना जी, नाले मैं पूरे वर्ल्ड को मांगा, तो मैंने एक बार माफ़ किया जाएगा जी।